F-16 पर था पाक को घमंड, लेकिन राफेल से चढ़ी पाक पर ठंड। कौन कितने पानी में हैरान होंगे ये देखकर। ये है जंगबाजों की टक्कर। अब तक पाकिस्तान को अपने F-16 पर बड़ा घमंड रहा है। इनके दम पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को कई बार आंख दिखाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत जल्द हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास एक ऐसा फाइटर जेट होगा जो पाकिस्तान के F-16 से दोगुना पावरफुल है। ये विमान है फ्रांस में बना, मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे बेहतरीन विमानों में से एक, राफेल। आज हम आपको तकनीकी विश्लेषण करके बताएंगे कि आखिर कैसे राफेल के हिंदुस्तान में आने के बाद पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी। पहले बात करते हैं F-16 लड़ाकू विमानों की, जिन्हें लॉकहीड F-16 फाइटिंग फाल्कन के नाम से भी जाना जाता है। ये विमान अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इस विमान की ऊंचाई 4.8 मीटर, डैनो का फैलाव 9.8 मीटर और लंबाई 14.8 मीटर है। लॉकहीड से पहले F-16 विमानों को जनरल डायनामिक्स बनाती थी। 1976 के बाद से उसने लगभग 4500 विमान बनाए, जिन्हें अमेरिकी एयरफोर्स खरीदती थी। हालांकि अब अमेरिकी एयरफोर्स ने इन विमानों को खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 1982 में F-16 के 2 स्क्वाड्रन दिए थे, जिसके जवाब में भारत ने फ्रांस से मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदे थे। पाकिस्तान के अलावा ये विमान तुर्की, इजिप्ट और इजराइल के पास हैं। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 76 F-16 विमान हैं। किसी संघर्ष की स्थिति में भारत को एक पाकिस्तानी F-16 से निपटने के लिए 2 Sukhoi 30 MKI विमान तैनात करने होंगे, क्योंकि सुखोई के मुकाबले पाकिस्तान का F-16 ज्यादा उन्नत है। अब बात करते हैं जल्द ही भारत का बड़ा हथियार बनने जा रहे राफेल की। 5.1 फीट लंबे, 17.5 फीट ऊंचे और करीब 21.5 टन वजनी राफेल एयरक्राफ्ट करियर से भी उड़ान भर सकने में काबिल है। इसकी एक दूसरी खासियत है कि यह दुश्मन के रडार से ओझल रहेगा। इसका विंग स्पैन 35.5 फीट होने के साथ ही इसमें कुल 4700 किलोग्राम ईंधन भरने की क्षमता है। राफेल लगभग 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। इस विमान से परमाणु बम भी छोड़े जा सकते हैं। इस तरह इसकी पहुंच बीजिंग और इस्लामाबाद तक है। 2 इंजन वाले राफेल ने पहली बार 1986 में उड़ान भरी थी। 2002 में मिशन अफगानिस्तान ने भी राफेल कई कारनामे दिखा चुका है। अफगानिस्तान में मिशन क्रश प्रोग्राम के बाद लेजर गाइडेंस से बम छोड़े जाने जैसे अद्भुत करतब दिखाकर इस विमान ने अपनी ताकत का एहसास कराया था। 2007 में भारत पाकिस्तान सीमा पर इसी विमान से पेट्रोलिंग भी की गई थी। डेसॉल्ट राफेल फ्रांस का 2 इंजन वाला मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसका डिजाइन और निर्माण डेसॉल्ट एविएशन ने किया है। ये लड़ाकू विमान 3 वर्जन में उपलब्ध है। इसमें राफेल सी सिंगल सीट वाला विमान है, जबकि राफेल बी 2 सीट वाला विमान है। वहीं राफेल एम सिंगल सीट कैरियर बेस्ड संस्करण है। राफेल की अधिकतम रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 37,000 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें 1.30 mm की एक गन लगी होती है, जो एक बार में 125 राउंड तक निकाल सकती है। इसके अलावा इसमें घातक MBDA, MICA, MBDA मिटियार, स्टॉर्म शैडो SCALP मिसाइलें लगी रहती हैं। राफेल विमानों में न्यूक्लियर हथियारों को ढोने की भी क्षमता है। इसकी वजह से भारतीय एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एक बार राफेल के वायुसेना में शामिल होने के बाद पाकिस्तान को ऐसे हर विमान से निपटने के लिए 2 F-16 विमान लगाने होंगे। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के मुताबिक राफेल F-16 विमानों के मुकाबले एक जनरेशन आगे की तकनीक है। राफेल का मुकाबला F-35 फिफ्थ जनरेशन विमानों से है। हवा से जमीन पर मार करने की रेंज और एक दिन में 5 बार हमला बोलकर बेस पर लौटने की क्षमता इसे दूसरों के मुकाबले आगे रखती है। दूसरे फाइटर जेट्स ज्यादा से ज्यादा 3 चक्कर ही लगा सकते हैं।
राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन का G20 विमान भी भारत से एक कदम पीछे हो जाएगा। तो कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, हिंदुस्तान पर बुरी नजर अगर डाली तो घर में घुसकर मारा जाएगा।